Audio Jungle. हेलो, दीपक केळकर दिस साइड। धंधा डबल कैसे करना, इसके बारे में कुछ बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं। हर धंधे वाले को ऐसा लगता है कि उसका धंधा बड़ा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए और उसने बहुत पैसे कमाना चाहिए। मगर मुझे लोगों को सवाल पहले यह पूछना है कि आप सच्ची धंधे वाले हो क्या? कि कुछ लोग जो रहते हैं वो एक छोटा सा धंधा लेके बैठते हैं, छोटा दुकानदार है, पान पट्टी वाला है, या छोटा दुकानदार है, किराना दुकान है, और वो खुद चालक खुद मालक है, मतलब सब कुछ खुद करेगा, झाड़ू भी वही लगाएगा, पैसे भी वो लेगा, माल भी वो निकाल के देगा। तो वो एक्चुअली धंधे वाला है नहीं, वो कौन है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है। तो शुरू में तो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते, मतलब खुद ने खुद को नौकरी दिया हुआ है। धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा कि लोग आपको जोड़ने पड़ेंगे आपके बिजनेस में। जैसे जैसे आप लोग जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फ्रीडम मिलेगा। क्योंकि यदि आप सब कुछ कर रहे हैं तो विचार कौन करेगा? दिन भर यदि सवेरे 9 बजे से दुकान खोल दिया और रात को 9 बजे तक दुकान चालू या 10 बजे तक दुकान चालू है, आप घर से डब्बा वहीं बुला रहे, वहीं खाना खा रहे, कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ माल निकाल रहे, बैठ रहे, तो धंधा बढ़ाएगा कौन? बड़ा कौन करेगा? माल कौन खरीदेगा? मार्केटिंग कौन करेगा? नए नए आइडियाज कौन लाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपल एक कोचिंग ये है मेरा कि भाई लोग आपको लगेंगे और वो लोग ऐसे लगेंगे अलग अलग काम करने के लिए। जैसा कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई खरीदी का काम कर रहा है, कोई माल खरीद के ला रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, अपने नाम का मार्केटिंग, धंधे का मार्केटिंग कर रहा है, और कोई गल्ले पे बैठा हुआ है, कोई देख रहा है कि स्टॉक कितना है। तो ऐसे धीरे 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 आपको लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। और आप जब लोग अपॉइंट करेंगे, वो धंधा जब ऑटो पायलट के ऊपर जाएगा, ऑटो पायलट इसका मतलब धंधा आप ही आप चल रहा है, आपको वहां बैठने की जरूरत नहीं है, लोग काम कर रहे, लोग धंधा चला रहे और आप फ्री हो। तो ये जब कंडीशन आ जाती है उसको बोलते हैं धंधे वाला। धंधे वाला क्या करता है? धंधे वाला ट्रेडिंग नहीं करता कि यहां से माल लाया वहां बेच दिया, वो धंधे वाला एक्चुअली है नहीं। धंधे वाला मतलब एक मटेरियल लाया और उसको वैल्यू ऐड किया और वैल्यू ऐड करके उसको बेचा। मतलब जैसा आम लाया, फॉर एग्जाम्पल आम लाया और आम बेचा तो हो गया ट्रेडिंग। पर आम लाया, उसका जूस निकाला और उसका मैंगो शेक बना दिया, है ना, या मैंगो आइसक्रीम बना दिया उसका, तो उसको वैल्यू ऐड हो गई। तो एक आम यदि आपने 100 रुपए का लाया होगा तो एक्चुअली मैंगो शेक जो उससे बनेगा वो शायद 200 रुपए का, 300 रुपए का बेचा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति धंधा यदि करता है, बिजनेस करता है, तो वैल्यू एडिशन आप कितने करते हो उसमें? जो माल आप बेचते हो उसमें कितनी वैल्यू एडिशन करके वो बेचते हो, उसके ऊपर आपका धंधा कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को जोड़ के उनसे काम कैसे करवा के लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको फ्री होना पड़ेगा। धंधे वाला व्यक्ति कभी काम नहीं करता, वो धंधे पे बैठता ही नहीं है। धंधे वाला व्यक्ति कभी धंधे में जाएगा भी नहीं, वो ना गल्ले पे बैठेगा ना पैसे जमा करेगा। धंधे वाले का काम एक ही है, सोचना कि मैं क्या धंधा नया डालू, कौन सा धंधा नया डाल के या जो धंधा चले उसमें डाइवर्सिफाई कैसे करूं, उसमें अलग अलग और क्या नया करूं, नई चीज क्या लाऊं, नए तरीके से लोगों को क्या बताऊं, नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या लाऊं, नई रिस्क कैसी लूं। धंधे वाले का काम यही है, रिस्क लेना, नया मार्केट ढूंढना, नया प्रोडक्ट ढूंढना। उसके लिए उसको चाहिए टाइम, और टाइम तभी मिल सकता है जब उसके पास में काफी सारे लोग हैं। हम सोचते हैं कि हाँ एक दुकान लगा दिया, वहां एक व्यक्ति है, गल्ले पे वही बैठ रहा है, खरीदी माल की वही कर रहा है, सब वही कर रहा है, तो धंधे वाला है नहीं, क्योंकि उसको टाइम मिलते ही नहीं, क्योंकि पैसे भी उसने जमा करना,
माल भी उसने खरीदना, लोगों को भी उसने अटेंड करना है, खाने को भी टाइम नहीं, तो वो कहां जाएगा? वो तो छुट्टी भी ले सकता नहीं। असली धंधे वाला जो है कि जो घूमने फिरने जाएगा, मजा करेगा, और वो तब पॉसिबल है, टाइम फ्रीडम या और मनी फ्रीडम तब पॉसिबल है जब वो लोगों को ट्रेन करेगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और अलग अलग डिपार्टमेंट खड़े करना, और उसके लिए जरूरी है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। तो वो भी हम कोचिंग करते हैं लोगों को, जब मेरे पास में लोग आते हैं तो एसओपीज कैसे बनाना, सिस्टम्स कैसे लगाना, प्रोसेस कैसे लगाना, लोगों को कैसा ट्रेनिंग देना, लोगों का संदर्भ, लोगों के दिमाग में काम क्यों करने का है उसका संदर्भ कैसे निर्माण करना, फिर टाइम कैसे मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट है। तो फिर ये सब यदि वो सीखता है तो एक बहुत बड़ा धंधा उसका खड़ा हो सकता है। सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यही अप्लाई करते हैं उनके धंधे में। यदि आप नई 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 बातें नहीं सीखेंगे, नया नया नहीं अपनाएंगे, तो क्या होगा, धंधा खत्म हो जाएगा। धंधा एक तो बढ़ना चाहिए, और धंधा नहीं बढ़ा तो वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी धंधे जो है, कोई भी धंधा मतलब बिजनेस चालू करते हैं ना लोग, तो 10 साल में यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया तो 10 साल में 10 में से 9 लोगों ने धंधा बंद किया रहता है, एक ही धंधा चालू रहता है, और बंद होने के काफी सारे कारण है।